गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी है शाम का टाइम और हमने अपनी चाय एंजॉय करी है। हमें लगभग एक घंटा हो गया बाहर बैठे हुए, पर इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है बाहर को देखना। और फ्लाइट्स आ रही है जा रही है, मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना। अभी भी बुखार नहीं टूट रहा है, तो अब मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी कुछ दिन, क्योंकि मतलब रेस्ट कर लेती हूँ। और कल भी रजत और नैना आए थे मेरे पास, वैसे आज निकलना था हमको शिमला, मम्मी पापा भी शिमला आ गए हैं। और अब अगले कल सुबह के टाइम या दिन तक हम लोग निकल जाएंगे, मैं रजत नैना के साथ ही शिमला निकलूँगी, क्योंकि पापा मम्मी बहुत टेंशन में आ गए हैं। और उनको ऐसा होता है कि जब मेरे को तकलीफ़ हो, क्योंकि पहला बच्चा हूँ तो ज़्यादा वो वरीड रहते हैं। तो कल तो मैं चली जाऊँगी पापा मम्मी के पास। नहीं मर रही तू, लोग हॉस्पिटल जाते हैं और मैं यूनिक होना। तो गाइज, अब हो चुकी हूँ मैं रेडी और निकल रहे हैं हम लोग शिमला के लिए। रजत को थोड़ा सा सामान लेना है, मुझे भी एक आध चीज़ लेनी है, स्वेटर वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि शिमला में तो ठंड होगी। तो जूडियो से हम फटाफट स्वेटर लेंगे, दो कर स्वेटर लूँगी मैं भी, और रजत ने भी थोड़ा सामान लेना है। तो हम लोग पहले जूडियो जा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे शिमला के लिए। शॉपिंग करके उतर गया मेरा फीवर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन हो गए बीमार हुए। उतर ही नहीं रहा है यार, इतने अलग टाइप का फीवर आता है, हाई लेवल होता है। कुछ ऑडियंस में अपने इनसाइट्स इनसाइट्स ये है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, मेरी तरह वीक मत करो, क्योंकि मैंने जो गलती वीक करी इसने, तूने रिमोट से की है वीक, दिस इज एसी का मदर। कोविड हुआ है फिर भी मैं निगलेक्ट कर देती हूं कि हां कुछ भी जंक फूड खा देते तो दो तीन महीने ठीक हो जाओगे बस। अभी हां उसके बाद छोड़ देती है, ये ऐसे ही करती है। फैशन कुछ नहीं, कुछ नहीं। इससे क्या, अगर रिएक्शन होगा तो मतलब पता लग जाएगा, उसके बाद ही दोगे मेन। तो ये टेस्ट किया है, ओके। अब 20 मिनट के बाद, ठीक है? बेटा ऑफ कर दो, बहनों कर दो, कर दो। स्लाइड वाली पकड़ लो, तुझे क्या हो रहा है? लग रही है, अब हो गए हैं सारे टेस्ट शिवानी के, अब रिपोर्ट टाइम। रिपोर्ट तो आ गई है, मतलब डॉक्टर को चेक करानी है, अब क्रूशियल टाइम है ना। अपने मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तुम्हारे चेहरे की सारी रौनक चली गई है। जानी नहीं है इतना, 105 सो ना है। हाँ ये तो पहली बार ही देखा मैंने, ये 105 फीवर, पर चलो हो जाएगा। डॉक्टर तो 101 को भी 101 से ऊपर हाई फीवर कंसीडर करते हैं। 105 भी नहीं, 105.8, वो भाई सबके उस टाइम हालत। कल तो ऐसा था, IGMC चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर से भी बात हो रही थी, तो 3 बार रजत ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को भी, हमने टेंशन में ही चेक कराया था। तो क्या हुआ कि अब IGMC लेकर चलते हैं, लेकिन IGMC का नाम सुनते हैं उठा रहे थर गिरने लग गया। फिर हमने शिवानी को बाहर ठंड में बिठाया बढ़िया मस्त करके, और शिवानी कभी नहीं बहुत स्ट्रांग बन के रहे, इतना हाई फीवर मैंने सुने भी नहीं। वैसे तो स्ट्रांग मैं हूँ ही यार, अकेले मैनेज कर रही थी इतने दिनों से, वो भी तो देखो सारे इतने घर में रहना,
और शिवानी को कोई सलाह एडवाइस देना चाहोगे शिवानी को कोई कोई तो बड़ी नंदन जय माता शुंदी आप कहाँ रह गए थे अरे मैं पार्किंग ही ढूंढता रह गया मेरे सारे टेस्ट हो गए मैं पूछूं शुभम का शुभम का सब कुछ हो गया शुभम कब आया जब हलवा बट के खत्म भी हो गया मेरे को नैना और रजत पे पूरा विश्वास था कि ये सारे टेस्ट करवा लेंगे मैं एज ए ड्राइवर आया था ठीक है मेरे को ना होटल वाला बोले वो और नैना नहीं तुम्हें तो पार्किंग तब भी नहीं मैं बोल लूंगी नैना को मैं कहा और ढक्कन है शुभम को कभी भी नहीं मिलनी तब जाके पार्किंग अब तो सुनो मेरे को होटल वाला होटल के पार्किंग में लगा दी मैंने वो मेरे को बोला आप निकालो यहाँ से ना यहाँ लगी और लगनी गाड़ियाँ लगनी मैं कह रहा मैं ड्राइवर हूँ भाई मैं इनकी सवारियों के साथ आया हूँ खाना खाने गए हैं वो सारे भी खाना खाने कौन से इसमें गए हैं फिर सुनो सही मैंने झुक के देखा ना बोलता अंदर तो अंदर से गया वो देखने को अंदर तो है नहीं कोई नहीं ऐसा कोई बैठा दुख महंगा हो रहा दो लड़कियां ना मैं कहा वो बैंक है ना यहाँ पे साथ में बोले हाँ मैं कह बैंक में गए हुए यार कॉल करो मैं कॉल कर रहा हूँ उनका नंबर नहीं लग रहा और मैंने कॉल करी नैना का स्पीकर इस पे कनेक्ट था और वो हेलो बोलता लगी कॉल करो 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 फिर निकाली मैंने यहाँ पे रजत भी आ गया पीछे बाइक पे बाइकर इसलिए आया था बाइक पे क्योंकि रजत को पता था यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल है सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना जो मतलब रेफरेंसेस है ना उसकी वजह से ऐसे ऐसे हुआ हमारा ठीक है ना सिक्का चल रहा है ऑल सब्सक्राइबर्स नीड्स टू प्रे फॉर शिवानी है ना अभी तो मैं व्लॉग डाल भी नहीं पाऊंगी पता नहीं कब ये व्लॉग पता नहीं कब डलेगा फीवर देखा मैंने तुम्हारा पहली बार जो थर्मोमीटर तोड़ फीवर 105.8 हो भाई साहब जब मैं शिवानी तो शिमला आ गई थी ना पहले रजत नैना के साथ एक डेढ़ घंटा पहले हाँ और जब मैं पहुंचा तो शिवानी का फीवर 105.8 था मतलब बेहोश थी मेरे को ना सच में आधा घंटे बेहोश थी जब तुमको लगा ना कि मैं सोई हूँ नींद नहीं थी फिर मैंने कुछ बस मेरे को सेंस हो रहा था कुछ बोल रहे हैं साथ फिर शिवानी को मैंने पोइम सुनाई पता नहीं क्या बचपन की पोइम सुनाई शिवानी को और शिवानी को बहुत अच्छी लगी और शिवानी इसके बाद बहुत बढ़िया ठीक हो गई मस्त ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है ठीक है सोते सोते भूख लगी जब मैंने शिवानी से पूछा था सोलन पहुंच के कि शिवानी सब्वे लाना है तो शिवानी ने बेचारी पहली बार मना करी नहीं पर मेरे को तब मेरे को लगा नहीं सच में बीमार हो गई है ज़्यादा बीमार है मतलब बीमार तो हो गई है पर ज़्यादा बीमार हो गई है कोई बात नहीं शिवानी जल्दी ठीक हो जाए होप सो और प्यारी प्यारी हाँ शॉर्ट्स डाल देंगे तब तक शॉर्ट्स ये डाल देती हूँ कि देखो मैं एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ ये देख लो बाकी ठीक है पर इतना तैयार होके कौन जाता है हॉस्पिटल भाई देखो ये कौन सी ड्रेस है क्या है कौन सी स्किन है एनिमल की ये चितकबरी चितकबरी क्या हुआ शिवानी देखो व्हाट हैपेंड 104 बुखार क्यों दोबारा से तो चलो पट्टियां कर देता हूं मैं आओ कर ली पट्टियां है? तुम तो बाहर बैठ गई पेशेंट की तरह क्यों लग रही हो मतलब बड़े दिन में इसलिए नहीं कर रही हूं मैं पता ही नहीं है कब एडिट कर पाऊंगी अभी क्योंकि हाथ कोई चक्कर नहीं है सब सही हो जाएगा परसों मेरे इस हाथ में लग जाएगा 3 दिन नहीं रखते एक हाथ में फिर भी आज तुम बड़े टाइम बाद मरीजों वाला खाना नहीं खाया ना हाँ मैं दुखी होगी खिचड़ी खा खा के मेरे को डॉक्टर ने बोला सब कुछ खाना है तो मैं सब कुछ खाऊंगी चले अब कहाँ जा रहे हैं वो इधर ही तो पास में ही तो जाना है उनसे ये इस पे करवानी है एक नर्स है उन्होंने बोला वो घर पे लगा देंगे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है बेचारे यार सच में इतना हेल्प किया ना उन्होंने तो फाइनली आज मेरा कैनुला निकलने वाला है रात को और मतलब लास्ट डोज है अभी बची हुई एंटीबायोटिक की तो वो निकलवाने जाएंगे शाम के टाइम भालू बढ़ा दिए और देखिए जहाँ इतने दिन सह लिया वहाँ थोड़ा और सही शिवानी दसी दर खुशी में तो देखो ना वेव तो निकल गया सुबह से नहीं बोल रही थी कि बहुत दर्द है आज नहीं छोड़ तो दर्द होने
हैरान हो गई था नहीं दिन जब जब उसको जमने से वाला तो दूसरे दिन उसी दिन तो गाइस अभी है सुबह का टाइम और आज है लास्ट दिन चेकअप का. मतलब आज डॉक्टर ने कहा था कि आफ्टर मतलब जब ये कैनुला हट जाएगा उसके बाद चेकअप करवाना है. तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने कि क्या है क्या प्रोग्रेस है. वैसे तो देखो फीवर अभी भी आ रहा है. वो पूछूंगी डॉक्टर से कि क्यों आ रहा है. ब्रेकफास्ट में मैंने खाया है सूप पिया है. मतलब मैं अभी लिक्विड डाइट पे हूँ ज़्यादा. अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे. पर मैं प्रे करूंगी कि भगवान अब नो मोर एंटीबायोटिक्स प्लीज. क्योंकि उससे जो तकलीफ होती है ना बॉडी में जैसे पेट बिल्कुल लूज हो चुका है वो भी मैं डॉक्टर को बताऊंगी. तुम मिस तो नहीं किया अपनी YouTube फैमिली को? YouTube फैमिली को मैंने तो मिस किया ही है. पर YouTube फैमिली ने मुझे कितना मिस किया है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. वैसे तो आप लोगों के सबकी कमेंट्स और दुआएं सब कुछ आ रहे थे और मैं किसी को रिवर्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने फ़ोन ही नहीं देखा है. तो परसों से मैंने फ़ोन देखना शुरू किया है. तो बीच में 5 दिन मेरे बिल्कुल स्किप हुए हैं और बीमार हुआ तो 7-8 दिन हो गए. ज्यादा दिन पिछले तो आज क्या है 7-8 क्या आज तो 12 तारीख है तो 12 दिन हो गए तुम बीमार हो. 12 दिन हो चुके हैं मुझे. कलाई ढीली रखना ठीक है. ढीली रखनी है लूज मुट्ठी टाइट रिस्ट लूज ठीक है. ठीक कहाँ आई थी निकलो आना लग गया दूसरा लिचड़ वाली चकली क्यों बना दियो तो यू आर वॉरियर. कोई चक्कर नहीं है. है ऐसे नहीं करना चाहिए. बकरी है तो चले आगे करो. रो क्यों नहीं चुप हो. सो गाइज आज मैंने सोचा था कि मेरे कैनुला निकल जाएगा लेकिन आज है 6th डे. डॉक्टर से जब मतलब मैं मिली तो डॉक्टर ने कहा कि ये रिपीट है अब 7 डेज के लिए है. तो बैड न्यूज़ ये है लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मेरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और टाइफॉइड ही है. तो डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी टाइफॉइड की इसलिए दोबारा ये लगा है मेरे. एक गुड न्यूज़ और है. अगर इन बिटवीन मुझे 48 आवर्स के लिए फीवर नहीं आता है तो भी मेरे ये हट जाएगा. तो मतलब बैक्टीरिया मर चुका है. पर 48 आवर्स मॉनिटर होने बहुत ज़रूरी है और लगातार देखना है कि फीवर तो नहीं आ रहा है. इतनी खुश थी मैं और आज देखो फिर से लग गया है. मेरी फेवरेट कीवी सोलन से हो गई. तुम्हारे फेवरेट शहर से तुम्हारे फेवरेट कीवी. मैं बता रही हूँ सब्सक्राइबर्स को मेरे से फोन भी हैंडल नहीं हो रहा है. मेरे से बहुत दर्द रह रही है. ट्राई एक हाथ इसको पकड़ो जरा. देखो एक हाथ में से कल ही मेरे कैनुला हटा है. ये देखो अभी तक इधर निशान स्वेलिंग है और ये भी नहीं लग रहा ये भी नहीं लग रहा. पर ये तो लगाना ही पड़ेगा. चलो ये खाने के लिए लगाओ तुम इसको. हाँ दो. कीवी मेरी फेवरेट है. मेरा क्या फेवरेट नहीं है. बस बीमार होना मेरा फेवरेट नहीं बाकी सब मेरा फेवरेट है. बहुत टेस्टी है. थैंक यू. बीमारी में से खट्टा खाने का अच्छा लगता है. थोड़ी सी वॉक भी कर लेना. थोड़ी सी अंदर दुखती है. वॉक तो करनी पड़ेगी. देखा तो कालू बालू स्माइल नहीं चला जा रहा. बस चले ऊपर हम कर ले वॉक अभी. बस हो गए 5-6 चक्कर. बहुत होता है मेरी आदमी के लिए. मम्मी ने खुद 2 चक्कर मारे और हो गया है. मैंने और डॉगी ने 20 चक्कर मारे. अरे हाँ 20 चक्कर. इस डॉगी के रेफरेंस में बात हो रही है. रात के हो गए 9:30. शिवानी को आ चुके हैं इंजेक्शन लगवाने. आज मम्मी है हमारे साथ कल पापा थे. क्यों मम्मी कल कहाँ थे? आज कंटेंडर चेंज है हमारा. शिवानी इतना तैयार हो के देख दिखाओ तो आउटफिट ऑफ द पेशेंट. चलो ये इंजेक्शंस. शिवानी क्या खा रही हो? मेरे को दो चार दो चार बोले थे. ये 3 है.
इधर है बड़ा दिल, दो तीन और दे दो प्लीज, नाप नाप के गोलियां दे रही उनको। तो ये है डे 14th, शिवानी को बीमार हुआ है और आज ट्रिप चढ़ाने आए हैं हम। डे 14th नहीं है, हाँ मतलब बीमार हुआ है, अब तो रिकवरी का डे 3rd है ये, तो मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक होने लगी हूँ, मतलब 5 दिन का कोर्स कर दिया शिवानी ने। अब 5 दिन दोबारा बोला ना, 7 दिन बोला दोबारा, ऐसा बोला ना कि 48 आवर तक फीवर नहीं आएगा तब बंद कर देंगे, और होप्स हो कि होप्स हो नहीं आएगा। ऐसे कि कुछ नहीं कर पा रही है ये, और मैं मजे से इसका फोन भी चला रहा हूँ, फोन भी चला रहा हूँ, गंद भी डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ भाई, एंजॉय फुल एंजॉय ब्रो। मुझे ठीक होने दो फिर देखो, एंजॉय तो कर रहा हूँ। तो गाइज अभी हम फिर से आए हैं इंजेक्शन लगवाने, अभी मतलब आज है संडे, तो अब बचा है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, मतलब 3 दिन और बचते हैं इसके अलावा। और अभी मैंने शुभम को भेजा है चॉकलेट लाने, क्योंकि मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, और आज शुभम